नेक्स्ट कंपोनेंट जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एसेसरी ऑफ प्लेन टेबल इज ट्रफ कंपास। अभी हम प्लेन एलिडेट के बारे में डिस्कस कर चुके हुए हैं, अब ट्रफ कंपास की पोजीशन हमारे बॉक्स में यहाँ पर होती है। ट्रफ कंपास को हम रिमूव कर लेना है और बॉक्स को दोबारा क्लोज कर देंगे। हमारा जो वुडन टेबल है, इस वुडन पे हम शीट को फिक्स कर लेना है। हमारी शीट के कॉर्नर्स पे जो पिन होती है, उस पिन को हमें फिक्स कर लेना है, जिससे शीट का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक हमने सैंपल के लिए शीट यहाँ पर फिक्स कर रखी हुई है। यह हमारा ट्रफ कंपास है। ट्रफ कंपास एक मेटल बॉक्स में होता है, ये एक मेटल बॉक्स है, और उसके ऊपर से एक कवरिंग के तौर पे ग्लास लगा हुआ होता है। इसके अंदर मेन बेसिक कंपोनेंट जो होता है ट्रफ कंपास में, वो होता है मैग्नेटिक नीडल। और जो बेसिक यूज है, मेन फंक्शन ऑफ ट्रफ कंपास इज टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। हम नॉर्थ डायरेक्शन इससे मार्क करने वाले हैं। अभी इसके अंदर आप देखेंगे तो ये होता है एक मेटल बॉक्स, ऊपर से होता है ग्लास कवर, अंदर होती है एक मैग्नेटिक नीडल, ये आपको नजर आ रही है। मैग्नेटिक नीडल एक पिवट होता है, वर्टिकल पॉइंट, देखो ये आपको इस तरह से आप देखेंगे थोड़ा तो नजर आएगा, एक पिवट होता है वर्टिकल, उसके ऊपर मैग्नेटिक नीडल को फिक्स किया हुआ होता है। अब जब हमने इसको जस्ट अभी बॉक्स से रिमूव किया हुआ है, बॉक्स में जब हम इसको रखते हैं ट्रफ कंपास को, तो यहाँ पर जो स्क्रू है उसको टाइट करके रखते हैं। उसका फंक्शन क्या है कि टाइट इसलिए रखना है कि स्क्रू, अगर ये टाइट रहेगा ये स्क्रू, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक नीडल है हमारी, उसका रोटेशन नहीं होता। और हम इसको अभी हम रिमूव कर लिए हैं, तो हम स्क्रू को हम क्या कर लेंगे, लूज कर देंगे, जिससे मैग्नेटिक नीडल का रोटेशन शुरू हो जाएगा। आपको नजर आ रहा है मैग्नेटिक नीडल रोटेट हो रही है। और हम सब जानते हैं कि मैग्नेट अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें इन द एटमॉस्फियर, तो वो क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। अभी ये नीडल है, इसमें मैग्नेट फिक्स किया हुआ है, अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, देखो हमने स्क्रू को लूज कर दिया, जिससे क्या हो गई, पिवट के ऊपर ये मैग्नेटिक नीडल फ्रीली सस्पेंड हो गई, तो ये कौन सी डायरेक्शन शो करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगी। तो हम कोई भी सर्वे वर्क जब कैरी आउट करेंगे, तो शीट के फिक्स करने के बाद में सबसे पहला काम हमारा जो रहेगा, वो रहेगा टू फिक्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अब नॉर्थ डायरेक्शन हम नॉर्मली शीट पर कहाँ ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन हम नॉर्मली शीट पर जो टॉप राइट साइड कॉर्नर होता है वहां पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आप ट्रफ कंपास को वहां पर लेकर चले गए तो भी चलेगा, या सेंटर पे रखें तो भी चलेगा, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रफ कंपास की पोजीशन आप रख लेना है। और उसके बाद में क्या करना है कि अभी हमारी मैग्नेटिक नीडल फ्रीली सस्पेंड है और यहां पर अंदर ग्रेजुएशंस बने हुए हैं। देखो यहाँ पर ग्रेजुएशन है 0, 5, इस साइड में भी है 0 और 5, इस साइड में भी ग्रेजुएशन है। तो जब ये फ्रीली सस्पेंड हो गई है हमारी मैग्नेटिक नीडल, तो हम इसको क्या करेंगे, इस साइड का 0 और इस साइड का 0 हम मैच करेंगे। मैच किस तरह से होगा, जस्ट बाय रोटेटिंग दिस ट्रफ कंपास आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम इसका रोटेशन करते रहेंगे अंटिल 0 ऑफ दिस साइड एंड 0 ऑफ दिस साइड मैचेस परफेक्टली। तो अभी क्या करेंगे, हम नॉर्थ साइड डायरेक्शन हम फिक्स करके देखेंगे, हम इसका रोटेशन करेंगे। ये देखो मैग्नेटिक नीडल हमारी रोटेट हो रही है, ये कम हो रहा है, इसको धीरे 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 रोटेट करना है। देखो ये कम ज्यादा हो रहा है, कभी इस साइड में आ जा रही है, कभी उस साइड में जा रही है। हमें इसको आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते रहना है, कि जिससे क्या हो कि हमारी जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमें परफेक्टली मिल जाए। देखो ये अभी 0 पे आ गई। ठीक है, देखो आप फिर से वापिस इस साइड में रोटेशन हो रहा है उसका, ये फिर से इधर हो गई। आपको लग रहा है कि कभी इस तरफ बहुत ज्यादा आ जा रही है, उस तरफ ज्यादा हो रही है, इसका एक रीजन ये भी होता है कि हमने एक टर्म, एक पैरामीटर पढ़ा हुआ है, वो है लोकल अट्रैक्शन। अगर हमारे पास में ऐसी कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो मेटल के ऑब्जेक्ट हैं, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं या डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है कि मैग्नेटिक नीडल डिस्टर्ब होती है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली क्या करना है कि हमारे पास में, हमारे साथ में, हमारी जेब में, हमारे पॉकेट में ऐसी कोई चीज नहीं रखना चाहिए कि जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करें या डिस्ट्रैक्ट करें, तो जिसकी वजह से ये लोकल अट्रैक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता और हमारी मैग्नेटिक नीडल परफेक्टली नॉर्थ डायरेक्शन शो करती है। इस तरह से जब 0-0 हमारा इस एग्जैक्टली सेंटर पे हो जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ 0 पे हो जाएंगी, तो उसके बाद में बाय यूजिंग पेंसिल,
पेंसिल से हमें क्या करना है, एक लाइन यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन हमारी क्या शो करेगी, द नॉर्थ डायरेक्शन।